राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की सक्रियता भी लगातार बढ़ते जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार तीखी बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, और इसी कड़ी में सचिन पायलट ने भी कह दिया कि ये लोग देशवासी के गुनहगार बन चुके हैं। बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई को लेकर बुधवार को बीजेपी पर निशाना साधा। पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्र सरकार के दिशाहीन और विफल शासन में महंगाई और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है। अप्रैल माह में थोक महंगाई दर 15.08% दर्ज किए जाने के साथ ही देश में महंगाई 24 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है कि लोगों की कमाई और बचत लूटने वाली बीजेपी हर देशवासी की गुनहगार बन चुकी है। बता दें कि खुदरा महंगाई के 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच जाने के बाद अब अप्रैल 2022 में थोक महंगाई ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने थोक महंगाई की दर 15.08% रही। साल भर पहले यानी अप्रैल 2021 में थोक महंगाई की दर 10.74% थी। इस महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, और इसी को लेकर सचिन पायलट केंद्र पर हमलावर होते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।